दोस्तों, हम अपनी डेली लाइफ में कई पुलिस वालों को देखते हैं। वैसे इन सभी पुलिस वालों की जो वर्दी होती है वो दिखने में एक जैसी ही होती है, लेकिन इन सभी पुलिस कर्मियों की वर्दी पर अलग अलग तरह के बैच लगे होते हैं और जो उनकी पुलिस रैंक और पावर को दर्शाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि इन पुलिस कर्मियों को इनकी पोस्ट के अनुसार अलग अलग सुख सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। दोस्तों, इंडिया में पुलिस डिपार्टमेंट में कई रैंक होती हैं जिनकी पोस्ट का नाम और पावर अलग अलग होती है। बैचेस और स्टार को लेकर लोगों के मन में काफी कन्फ्यूजन रहता है, तो आज इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और आज हम पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे छोटी पोस्ट से लेकर सबसे बड़ी पोस्ट के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो पुलिस कांस्टेबल की होती है, और कांस्टेबल की वर्दी पर आपको किसी भी तरह का कोई बैच देखने को नहीं मिलेगा, और ये पुलिस की एकदम सादा वर्दी में होते हैं। इसके बाद आता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट में जो सीनियर कांस्टेबल की पोस्ट होती है वो कांस्टेबल से बड़ी होती है। कांस्टेबल की वर्दी पर सिर्फ राज्य का नाम लिखा होता है। बता दूं कि इनकी वर्दी पर लाल रंग के दो स्ट्रिप बने होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर इस तरह के लाल रंग के दो स्ट्रिप नहीं बने होते हैं। उनकी वर्दी पर कुछ इस तरह की पीले रंग की दो स्ट्रिप बनी होती है। इसके बाद अगली पोस्ट आती है हेड कांस्टेबल की। दोस्तों, हेड कांस्टेबल कांस्टेबल और सीनियर कांस्टेबल से बड़ा होता है। इनकी वर्दी पर कुछ इस तरह की लाल रंग की तीन स्ट्रिप बनी होती है, जबकि महाराष्ट्र में हेड कांस्टेबल की वर्दी पर काले रंग की पट्टी पर पीले रंग की तीन स्ट्रिप बनी होती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कांस्टेबल होते हैं वो कुछ इस तरह की टोपी पहनते हैं, जबकि भारत के बाकी राज्य में पुलिस कांस्टेबल गोल टोपी पहनते हैं। हेड कांस्टेबल के बाद ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पुलिस रैंक आता है, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को हिंदी में सहायक उप निरीक्षक कहा जाता है। ASI की वर्दी पर एक स्टार लगा होता है और साथ ही लाल और नीले रंग की स्ट्रिप होती है, और उसके नीचे राज्य का नाम लिखा होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस। तो ये होता है ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जो कि सब इंस्पेक्टर का असिस्टेंट होता है। इसके बाद इसके ऊपर की जो पोस्ट होती है वो होती है SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक कहते हैं। SI की वर्दी पर ASI की वर्दी की तरह रेड और ब्लू स्ट्रिप होती है, लेकिन यहाँ एक स्टार की जगह दो स्टार लगे होते हैं, यानी कि ASI और SI में सिर्फ एक स्टार का फर्क होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट इंस्पेक्टर की। दोस्तों, सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन लोगों को इसी पोस्ट में होता है, और कुछ लोगों को तो ये लगता है कि असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसी कोई पोस्ट ही नहीं होती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पोस्ट सिर्फ महाराष्ट्र में होती है, और महाराष्ट्र को छोड़कर बाकी राज्यों में ये पोस्ट नहीं होती। इनकी वर्दी पर तीन स्टार लगे होते हैं और साथ ही एक लाल रंग की स्ट्रिप लगी होती है। इसके बाद इससे जो बड़ी पोस्ट आती है वो है इंस्पेक्टर की। दोस्तों, इंस्पेक्टर को TIB कहा जाता है, पर एक इंस्पेक्टर उस थाने का इंचार्ज होता है, और साथ ही ये थाने की सबसे ऊंची पोस्ट होती है, और जिसे SHO भी कहा जाता है। इंस्पेक्टर की वर्दी पर तीन स्टार होते हैं और साथ में एक रेड और एक ब्लू स्ट्रिप होती है, और जबकि जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर होता है उसकी वर्दी पर भी तीन स्टार होते हैं, लेकिन उसके साथ में सिर्फ एक रेड कलर की स्ट्रिप होती है, जबकि इंस्पेक्टर की वर्दी पर तीन स्टार के साथ एक रेड और एक ब्लू स्ट्रिप होती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर के बाद अगला पुलिस रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP का होता है, और यहीं से पुलिस की बड़ी पोस्ट स्टार्ट होती है। DSP की वर्दी पर सिर्फ तीन स्टार होते हैं, और इनकी वर्दी पर कोई भी रेड या ब्लू कलर की स्ट्रिप नहीं होती है, और इनके स्टार का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है। और आपको बता दूं, DSP से नीचे जितनी भी पोस्ट होती है उनमें येल्लो कलर के स्टार लगे होते हैं। ये जो DSP होता है वही ACP होता है, यानी कि DSP की पोस्ट ACP के बराबर होती है। इनमें कोई अंतर नहीं होता है, और इनके बैच भी एक जैसे ही होते हैं, यानी कि ACP के भी सिर्फ तीन स्टार लगे होते हैं। इनमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो ACP होता है वो बड़े शहरों यानी कि मेट्रो सिटी में होता है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर। यानी कि अगर ये बड़े शहरों में तैनात होगा तो इसे ACP कहा जाएगा, और अगर मेट्रो सिटी के अलावा ये कहीं और तैनात होगा तो इन्हें DSP कहा जाएगा। और ऐसा इस वजह से क्योंकि ACP कमिश्नर का असिस्टेंट होता है, और मेट्रो सिटी में इन्हें इस वजह से ACP कहा जाता है क्योंकि मेट्रो सिटीज में ही कमिश्नर ऑफिस होता है, तो इसी वजह से उन्हें वहां पर ACP कहा जाता है, जबकि बाकी शहरों में इन्हें DSP कहा जाएगा। इसके बाद अगली और इससे बड़ी जो पोस्ट आती है वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। दोस्तों, जब एक IPS अधिकारी अपने ट्रेनिंग पीरियड में होता है तब इन्हें एक स्टार दिया जाता है, और इसका मतलब ये होता है कि ये इनका फर्स्ट ईयर है, और जब ये सेकंड ईयर में जाते हैं तब इन्हें दो स्टार मिलते हैं, और जब ये थर्ड ईयर में जाते हैं तब इन्हें तीन स्टार मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तीन स्टार तो ACP के भी लगे होते हैं, तो इनमें फर्क क्या है? तो आपको बता दूं कि ACP के बैच के नीचे राज्य का नाम लिखा होता है, लेकिन इनके बैच के नीचे IPS लिखा होता है।
और आपको बता दूं कि यहाँ से आईपीएस कैडर स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद ये जैसे ही कमीशन होते हैं तो ये एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं। लेकिन इससे पहले ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, यानी जब ये ट्रेनिंग में होते हैं तब ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं और जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो ये एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं और तब जाकर इनके बैच में एक अशोक एम्बलम आ जाता है और जिसके नीचे आईपीएस लिखा होता है। और आपको बता दूं इसके बाद ऊपर के जितने भी बैचेस होंगे उन सब में आईपीएस लिखा होगा। दोस्तों इसके बाद अगली पोस्ट आती है एसपी की। एसपी की पोस्ट एएसपी से बड़ी होती है। एसपी को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं और जिसे हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहा जाता है और एसपी की वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ एक स्टार लगा होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो है एसएसपी की। दोस्तों एसपी से बड़ी पोस्ट होती है एसएसपी। एसएसपी का मतलब होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और आपको बता दूं कि एसएसपी और डीसीपी ये दोनों एक ही पोस्ट होती हैं और इन दोनों के बैच में भी कोई अंतर नहीं होता है। बता दूं कि एसएसपी बड़े शहरों यानी कि मेट्रो सिटी को छोड़कर कहीं भी तैनात होगा तो उसे एसएसपी कहा जाएगा और जबकि ने बड़े यानी कि मेट्रो शहरों में डीसीपी कहा जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेट्रो सिटी में ही कमिश्नर ऑफिस होते हैं और इनकी वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ दो स्टार लगे होते हैं और साथ में आईपीएस लिखा होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को डीआईजी भी कहते हैं। डीआईजी की वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ तीन स्टार लगे होते हैं और साथ में आईपीएस लिखा होता है। बता दो कि पुलिस के इस पद से व्हीकल यानी कि गाड़ी मिलना भी स्टार्ट हो जाती है और डीआईजी को मिलने वाली गाड़ी में एक स्टार लगा होता है और इनकी गाड़ी में एक फ्लैग भी लगा होता है जो कि ट्रायंगल शेप में होता है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि आईजीपी की। इन्हें आईजीपी कहा जाता है और ये डीआईजी से ऊंची पोस्ट होती है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को हिंदी में पुलिस महानिरीक्षक कहते हैं। इनकी वर्दी पर एक स्टार और एक तलवार के साथ आईपीएस लिखा होता है। इसमें एक तलवार होती है और एक स्टिक और उससे क्रॉस बना होता है और आईजी को मिलने वाली गाड़ी में दो स्टार लगे होते हैं और इनकी गाड़ी में लगे फ्लैग में भी थोड़ा डिफरेंस होता है जो कुछ इस तरह का होता है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बाद जो बड़ी पोस्ट होती है उसे कहा जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और शॉर्ट में एडीजी के नाम से जाना जाता है। इनकी वर्दी पर अशोक एम्बलम के साथ तलवार और स्टिक से क्रॉस बना होता है और साथ में आईपीएस लिखा होता है और इनको जो गाड़ी मिलती है उनमें तीन स्टार होते हैं और इनकी गाड़ी में जो फ्लैग लगा होता है वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी। बता दूं कि डीजीपी को कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कहते हैं। इनकी वर्दी पर भी अशोक एम्बलम के साथ तलवार से क्रॉस बना होता है और साथ में आईपीएस लिखा होता है। दोस्तों इसके बाद अगली जो पोस्ट आती है वो डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि डीआईबी और पुलिस में ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है और इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं होती। और आपको बता दूं कि ये कोई पोस्ट नहीं बल्कि एक रैंक होती है। बता दूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो डायरेक्टर होता है इनकी सैलरी और स्टेटस गवर्नमेंट सेक्रेटरी के बराबर होते हैं। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं जिन्हें आईबी या डीआईबी कहा जाता है। इनकी वर्दी पर आपको एक अशोक एम्बलम और एक स्टार के साथ तलवार से बने क्रॉस का निशान दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी पुलिस डिपार्टमेंट की सभी पोस्ट और रैंक। तो अब आप काफी अच्छे से जान गए होंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोस्ट और रैंक होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।